हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहदी बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के मुंगेरिया गांव स्थित भारत पेट्रोल पंप पर देर रात अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ कर सेल्समैन के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 26 मई को जैसलमेर के बैया गांव से बारात शिव थाना क्षेत्र में आई थी। इस दौरान पेट्रोल पंप पर मामूली कहा सुनी हो गई, जिसके बाद देर रात करीब 2 बजे एक गाड़ी में सवार होकर कुछ लोग आए और डीजल भरवाने की बात कही, जिसके बाद कुछ ही देर में गाड़ी सवार बिना डीजल भरवाए ही वहां से निकल गए, जिसके कुछ ही देर बाद 4 गाड़ियों में सवार होकर बदमाशों ने सेल्समैन के साथ मारपीट की और पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है। पीड़ित छेल सिंह के मुताबिक 4 गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ कर उसके साथ मारपीट की है। पुलिस ने मामला दर्ज करवाया गया है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पीड़ित छेल सिंह, इन्होंने ये कहा, मैं वह सोया हुआ था नागाना फ्लैंक स्टेशन मुंगेरिया पे। एक आदमी आया, मेरे को कहा कि पेट्रोल भरवाओ। फिर मैं खड़ा हुआ पेट्रोल भराने के लिए, फिर वो चला गया। 10 मिनट में वापस आया, वापस आके सीधी हमारे मेरे ऊपर लाठियाँ चलाई। वो लाठियाँ चलाई, उसको कहा कि मैं भाटी हूँ भैया का, आपका सेठ कहाँ है उनसे बात करवाओ। मैंने फ़ोन किया हकम सिंह को, हकम सिंह आए, इससे पहले पंप के शीशे वगैरह सब तोड़ दिए, कंप्यूटर तोड़ दिया, बस इतना काम हुआ, फिर चले गए। वो पैसे बेचकर कुछ नहीं लौटे। अच्छा। बस मेरे को पीटा खा लिया और पंप के शीशे वगैरह तोड़े। मेरे से कुछ रंजिश थी नहीं, इनके हती तो मेरे को पता नहीं। कितने लोग थे, कितनी गाड़ियां थी? गाड़ियां तो रोड पे 2-3 रोड पे थी, 2 गाड़ी, एक गाड़ी पंप की बाउंड्री में, एक थोड़ी छेटी थी गाड़ियां, इनके पास 2 तो थी, मैंने देखी थी, बाकी मैंने तो कुछ देखी। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकड़ा राम मेघवाल की रिपोर्ट।